भाई और बहनों, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो आतंकी हमले रोजाना की बात हो गए थे। कोई भी शहर कांग्रेस के कार्यकाल में सुरक्षित नहीं था। हर व्यक्ति जानता है कि किस तरह 2008 में मुंबई में आतंकवादियों ने हमला किया था। उस समय जो मुंबई में हुआ वो न तो पहला आतंकी हमला था और न ही आखिरी। साथियों, याद करिए, उन्होंने ये बात मैं इसलिए बताता हूं कि मेरे मीडिया को मित्रों को भी कभी पता रहे, याद रहे, अकेले 2008 में मैं एक साल की घटना याद कराना चाहता हूं। आज 2008 में जनवरी में उत्तर प्रदेश के रामपुर में सीआरपीएफ कैंप पर हमला किया। उन्होंने मई में यहां राजस्थान में जयपुर में बम धमाके किए। बाद में उन्होंने जुलाई में बेंगलुरु में सीरियल बम धमाके किए। बेंगलुरु को दहलाने के अगले ही दिन उन्होंने अहमदाबाद में बम धमाके किए। फिर उन्होंने दिल्ली में सिर्फ सितंबर महीने में दो अलग अलग आतंकी हमले किए। इसके बाद अक्टूबर में पूर्वोत्तर के तीन बड़े शहर गुवाहाटी, अगरतला, इम्फाल सीरियल ब्लास्ट किए। इसके बाद ये सारा 2008 का हिसाब मैंने बताया। और इतना होने के बाद 2008 नवंबर में 26/11 को मुंबई में भयानक बड़ा हमला हुआ। होटल में रहे हुए लोगों को मार दिया। ताज पे हमला हुआ, सैकड़ों लोग मारे गए।